हेलो सर, सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो प्लीज़ सर इसको एक बार देख लीजिए ना सर। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने अमाउंट का प्रोविजन बनेगा? सर वो क्या है ना कि हम एक बाबा में बहुत मानते हैं, तो हम उनके पास गए थे कि बाबा आप बताओ कि इस साल कितने का हमें प्रोविजन बनाना चाहिए। तो वो बाबा बोले कि हे भक्त, 20% का प्रोविजन बनाओ इस बार। तो सर हम बना लिए प्रोविजन उतने का। एक बाबा की भविष्यवाणी पे आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है? पागल समझ रखा है मुझे? फिर बुलाया मैंने उसको वापस से कुछ दिन बाद। सर पहले आप ये बताओ कि ये कौन डिसाइड करता है कि किस चीज़ का प्रोविजन बनाना है और किस चीज़ का प्रोविजन नहीं बनाना? हाँ सर, हम एक डिपार्टमेंट बनाए सर, एक अलग से डिपार्टमेंट है और वही ये सारा काम देखता है, एकदम फर्स्ट क्लास सर। चलो इनकी ये बात तो सही है कि इनका एक अलग से डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है कि किस चीज़ का प्रोविजन बनना है, बट वो डिपार्टमेंट सही बोल रहा है कि नहीं उसका भी तो कुछ सीन होना चाहिए ना, कि भाई उसके ऊपर भी चेक रखा जाए। हाँ बिल्कुल सर, आप टेंशन नॉट रहिए, हमारे जो फाइनेंस के हेड हैं वो दो ही लोग उसका पूरा रिव्यू करते हैं, एकदम अच्छे से सब कुछ देखते हैं और उसके बाद साइन भी करते हैं। सर देखिए यहाँ पे साइन भी है उनका, देखिए देखिए यहाँ पे साइन है। ठीक है ये तो। और आपने इसके रिगार्डिंग किसी एक्सपर्ट को भी कंसल्ट करा है? हाँ सर, एक सीए रोहन है, हम उनको कंसल्ट किए इस बारे में और वो भी आपके तरह एकदम सीए है सर। सर रोहन नहीं होता, रोहन होता है, तमीज़ से बोलो, कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। ये जो सीए रोहन जो ये बता रहा है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया था कि भाई कौन है एग्जैक्टली, क्या काम करता है एंड किस चीज़ में एक्सपर्टीज रखता है ये, तो वो सब तो ठीक था, उसमें कोई इशू नहीं था। बट एज एन ऑडिटर अब ये भी ज़रूरी होता है चेक करना कि भाई पिछले साल आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बनाते थे और इस साल आप कैसे बना रहे हो, तो कोई मेथड में चेंज आया है कि नहीं आया है, वो चेक करना ज़रूरी होता है। अब सर पिछले साल तक तो हम बाबा की भविष्यवाणी पे ही प्रोविजन बनाते आए थे, वो तो इस साल से हम एक अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, तो बस यही चेंज है सर। और सर मैं आपके पिछले साल की बैलेंस शीट देख रहा था, तो वहाँ पे आपने 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, तो एक्चुअल में कितना परसेंट हुआ था? सर 25% का बैड डेट हुआ था सर। वाह, तो यानी कि प्रोविजन बनाया 10% का और बैड डेट्स हुए 25%। तो अब कहाँ गई आपके बाबा की भविष्यवाणी? सर वो गलती से मिस्टेक हो जाता है ना बाबा से कभी कभी सर। तो बताओ यार, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं कभी कभार।